हर महादेव। अभी धारी देवी माता का मंदिर भी आ चुका है, आपको दिखाएंगे भाई अपने। और इस तरफ है धारी माता का मंदिर, कहते हैं चारों धामों की जो रक्षा करती है वो धारी देवी माता करती है। अच्छा। तो उनके दर्शन करने के बाद जब हम चार धाम की यात्रा करते हैं तो हमारे जहाँ पे रुके थे ना यहाँ पे कितना प्यारा प्यारा है। अच्छा होंगे, अच्छा होने भी चाहिए। तुम्हारा भाई आगे रुका था श्रीनगर साइड से बहुत आगे में, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाला है। भाई लोग फुल पावर में रेडी हो चुका है। यस, सामान साइकिल में सामान चढ़ाते उसके बाद निकल जाते हैं। और भाई लोग आप लोग प्यारा सफर बने रहना, हम लोग का चल रहा है केदारनाथ। अभी हम लोग निकल गया और पीछे में भाई लोग वो पीछे में आ रहे हैं और मैं आगे आगे जा रहा हूँ। तो भाई आज का राइड कहाँ तक होगा आई डोंट नो, मेरे को कोई पता नहीं है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तो देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचेंगे। अभी इतना आगे के बारे में अभी डिटेल पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे कैसे। ठीक है, आप लोग मजा उठाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं, कैसे खबर है भाई? बहुत बढ़िया भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव, और पीछे से हर हर महादेव। अभी धारी देवी माता का मंदिर भी आ चुका है, आपको दिखाएंगे भाई अपने। और इस तरफ है धारी माता का मंदिर, कहते हैं चारों धामों की जो रक्षा करती है वो धारी देवी माता करती है। अच्छा। तो उनके दर्शन करने के बाद जब हम चार धाम की यात्रा करते हैं तो हमारी जो यात्रा है वो सफल होती है और हमें उसका फल भी मिलता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भाई ये रही धारी देवी मंदिर, यही है ना ये नीचे में धारी देवी मंदिर। और भाई हाँ बोलो दोस्तों, अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना है माँ धारी देवी का मंदिर। तो जब भी आप आ रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने तो जरूर आइए धारी माता के दर्शन करने। तो बोलो हर हर महादेव। चलो भाई धारी देवी का मंदिर ये रहा, आगे जाके थोड़ा दिखाएंगे। रास्ता बहुत कठिन सा है, यहाँ पे ऊपर से मिट्टी वगैरह गिर सकता है। धारी देवी मंदिर का थोड़ा सा आगे वो वाली गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा नहीं ये था गुरुद्वारा जैसे था, वहाँ पे धाम में रुके थे। और सुबह सुबह का व्यू ये चेक करो। और ये रही भाई, आप लोग को देख सकते हो इधर में ये धारी देवी मंदिर, तो भाई ये देख सकते हो। और यहाँ पे पूरा सुबह से जाने के लिए पूरा लाइन ही लग चुकी है, 3-4 बजे से जाना पड़ता है यहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ से दर्शन कर लिया और धारी देवी मंदिर को प्रणाम करते हैं। ये गंगा का बीचों बीच में है, देखो चेक करो। तो भाई चेक करो इधर का व्यू, और हर हर महादेव जरूर लिखना, हर हर महादेव। अभी हम लोग इस वक्त केदारनाथ जा रहे था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे रूम में चल रहे हैं आप लोग को मैं एक चेक कर रहा हूँ। और यहाँ का नेचर ना बहुत बढ़िया से, खुशबू आ रही है साइड से, गाड़ी वगैरह चलती रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मंदिर वगैरह है। तो भाई हम लोग यहाँ से जा रहे हैं केदारनाथ, और गंगा की साइड से एकदम किनारों से जा रहा है। तो गंगा उस साइड से बहती है, हम लोग इस साइड जा रहे हैं। तो कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखना। सो गाइस आपको बोले थे ये रही गंगा, हम लोग जाएंगे गंगा का किराना बोले था, इस साइड से जाएंगे। ये चेक करो, और भाई लोग इधर से आ रहा है। भाई इधर का व्यूज क्या बताऊँ, खूबसूरत है। तो कैसे लग रहा है भाई, कैसे लग रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, चढ़ाई उतराई हमेशा लगे रहता है, तो चढ़ने में थोड़ा कष्ट होता है लेकिन उतरने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसा रखना चाहिए कि हमेशा इतना मेहनत करके चढ़े हैं तो सीधे उतरना नहीं चाहिए, इतना अपने आप को कुछ करते रहना चाहिए। और महादेव, तो हम लोग गंगा के साइड में बेस। तो भाई अभी रुद्रपा से शांतर गाँव में आया था, तो भैया लोग ने हम लोग को जूस पिलाया, थैंक यू भैया, दिल से शुक्रिया था। दिखा रहे हो आप लोग, इंडिया दिखा रहे हो, हमें ऐसा तो नहीं कभी टाइम होता ही नहीं है, पर आदमी घूमना चाहता है, समय नहीं है, मन में बहुत है।
और मैं हम लोग ने खिलाया ये जूस के लिए लाइक कर सर काफल सही होता है वो बोला काफल बोलते हैं इसका गौरीकुंड 71 के गुप्त काशी 39 किलोमीटर ओहो ओहो हम लोग केदारनाथ के बहुत करीब में है तो हम लोग जिसने देखा होगा गुवाहाटी आसाम से हम लोग आसाम खाना पड़ा गुवाहाटी से हम लोग मैं जा रहा हूँ अभी केदारनाथ दर्शन करने के लिए हो सके तो मैं तार धाम करूँगा तो आप लोग कमेंट करके बताना तो मेरा जितना भी मेरे साथ भाई लोग गया है वो लोग सारा आदमी चार धाम करने वाला है मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी करूँ तो बताना आप लोग क्या लगते हैं ठीक है भाई रोड देखो भाई ऊपर में गिरिया रोड हम लोग इसे चल रहा है चलो हर हर महादेव शो भाई अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से बहुत आगे आ चुके हैं और एक नदी मिला यहाँ पे नहाने के लिए हम लोग जा रहे हैं इनो भाई ये देखो चेक करो इधर में और इधर का व्यूज ना कुछ नेक्स्ट लेवल है अभी हो सके तो आज गौरीकुंड तक यहाँ से 70 किलोमीटर है गौरीकुंड वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो आप लोग देखते रहना यहाँ नदी बगा है हम लोग यहीं जाने जा रहे हैं नहाने के लिए तो कपड़ा भी धोएंगे नहाएंगे और नदी में नहाने का फील क्या होगा भाई नदी में नहाने का बहुत ठंडा पानी होगा भाई मैं तो खाते खाते जा रहा हूँ अभी तो भाई को भूख लग रहा है तो खाते खाते जा रहा है ये गाँव का आदमी है अब ये नदी में आया नहाने के लिए क्या बोलता है मग लेके आना चाहिए था भाई अमीर नहीं बनेगा कभी भी ठीक है अभी नदी में नहाएंगे गाइस चेक करो पहले हम लोग तो नहा रहे थे पहले तो मौसम अलग था अभी मौसम फटक से चेंज हो गया देखो भाई ऊपर से बाहर जाने से लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा देखो चेक करो इधर का व्यूज नजारा नहा लिया धो लिया बस नहा तो लिया धो भी लिया अभी धूप धूप चले गया ऐसे मैंने कपड़ा डाल दिया इसमें उसके बाद कल नहीं तो शाम को कहीं भी रोकेंगे तो अच्छा से कपड़ा सुखाएंगे भाई जाते हैं तो भाई उत्तराखंड में ना बारिश पूरा फुल तरीके से बारिश आ गया और हम लोग यहाँ पे होटल के सामने में रुके थे तो नहाने गया था नीचे में तो अभी हम लोग पूरा ठंडे काम रहे तो भाई देखो भाई मौसम क्या किसी टाइम में चेंज होता है किसी को पता नहीं होता है चेक करो भाई ये भाई तो पूरा भीग गया देखो क्या करेगा भाई साहब होने के बाद देखो भाई साहब हम लोग यहाँ पे नौने नहाने के लिए गए थे नीचे में अभी देखो भाई बारिश आ गया अभी मौसम ना चक्का अचक लग रहे अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा देर बाद में निकल जाएंगे नाश्ता वास्ता करने क्योंकि बहुत सारा ठंडा है तो भाई निकल जाता है हमने यहाँ पे आके नहाया धोया बट हम लोग का काम नहीं हुआ हम लोग का कपड़ा क्या हो गया गिली पॉपिंग गिली हो गई देखो भाई का ये पूरा गीला हो गया मेरा भी कपड़ा पूरा मैंने पैक कर दिया पूरा गंदे सेंड मार रहा है अभी क्या करेगा बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ से अभी थोड़ा देर बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे भाई साहब क्या लग रहा है तो भाई चिलवाड़ा में हमें अभी रुके थे तो दो पैर में इतना बारिश हुआ था अभी 6:30 होने लग गया क्योंकि यहाँ का भैया ने बोला तो आप लोग यहीं रह जाइए यही मतलब यहीं पर रखने उसके बाद हमें लगेज बांधना रेडी था कि चलने के लिए चलने के रेडी था ना हम लोग चलने के रेडी था तो भाई लोग ने बोला कि यहाँ आज के रात में यहीं पर रुक सकता हो तो ये रहे भाई का होटल तो अभी यहाँ पे यहीं पे रखेंगे कैसा सिस्टम होगा अभी यहाँ पे अरे बिल्कुल भाई मैं क्या बताऊँ आपको होटल व्यू पॉइंट है दोस्तों और ये मंदाकिनी रिवर जो देख सकते हैं आप केदारनाथ से चल करके आती है हाँ। और ऐसा मानो कहते हैं कि हम लोग गोवा जाते हैं बीच पर नहाने भाई मैं मंदाकिनी रिवर के बीच पर आया था नहाने क्योंकि दोस्तों यहाँ पर था होटल रिवर व्यू जो देख सकते हैं बैक साइड है यहाँ पर हम लोग नहा करके वापस आए थे रिवर से तुरंत बारिश होने लगी तब से हम यहाँ पे खड़े हुए थे और एक बहुत हैंडसम से भैया थे जो कि इस आई थिंक रेस्टोरेंट के ओनर थे तो उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें यहाँ पर जगह बताई है जहाँ पर हम सोने जाने वाले हैं तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो रेस्टोरेंट ये बीच साइड रेस्टोरेंट है मंदाकिनी रिवर के बिल्कुल नजदीक इधर दिखाओ ना भाई तो देख सकते हो ये
ये रिवर है जो कि केदारनाथ से चल कर के आ रही है और ये भैया का होटल है। तो भाई मस्त नज़ारा है, व्यू है, आपको रूम वगैरह भी दिखा देंगे, आप यहाँ स्टे कर सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो और हाँ भैया ब्रेकफास्ट भी मॉर्निंग का कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस आपको लेकर के चलते हैं अंदर और हम कहाँ सोने वाले हैं, कहाँ होगी साइकिल और डिनर में हमें क्या खाने को मिलेगा ये भी आपको बताते हैं। जहाँ पे रुके थे ना यहाँ पे, देखो भाई कितना प्यारा प्यारा है। बहुत प्यारा प्यारा है भाई डग लोग। ये देखो ये चेक करो, बहुत प्यार करते हैं। फाइनली अभी हम लोग का लगेज वगैरह यहाँ पे रख लिया, अभी हम लोग ए पी करेंगे। और आज इतना बड़ा बारिश आ गया ना, 4 घंटा 3 बजे से लेके 4, 5, 6, 7 बजे से पूरा बारिश आ गया। अभी देखो भाई 7:30 होने लग गया है, अभी यह अंधेरा नहीं हुआ है, बट ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो भाई क्या कहते हैं आज ए भी रहते, होप भाई आज का ब्लॉग आपको पसंद है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज द एमिनेंट विनोद साइनिंग ऑफ बी सेफ और राइड सेफ, मिलते अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।